हेलो एवरीवन, क्या आपको इटालियन खाना पसंद है? अगर हाँ तो चलो बनाए मोस्ट फेमस इटालियन ब्रेड, फुकाशिया ब्रेड। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले एक बाउल में 1/4 कप मिल्क लेना है, यहाँ पे वार्म मिल्क लेना है, और इसमें 1.5 टेबलस्पून हमें यीस्ट डालना है। यहाँ पे मैंने एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ किया है। अगर आपका यीस्ट फ्रॉथी नहीं हो पाता तो आप इंस्टेंट यीस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने कैस्टर शुगर डाली है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है हमें, और इसे फिर 15 से 20 मिनट्स तक के लिए रेस्ट करने देना है, जिससे ये फ्रॉथी हो जाए। एक वार्म प्लेस पर रेस्ट करने दे। रेस्ट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब इसमें 1 टीस्पून हमें सॉल्ट डालना है, और चिली फ्लेक्स, ओरिगानो और थोड़ी सी बेजल लीफ डालनी है। सीजनिंग्स आप अपनी पसंद से भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल की यूज़ करी है। बाउल में 3 कप मैदा लिया है और उसमें अपना मिक्सचर डाल दिया है। मेरी ट्रे 8x8 है, तो मेरी सारी क्वांटिटीज उसके अकॉर्डिंग है। अगर आपकी ट्रे छोटी या बड़ी है तो आप अपनी क्वांटिटीज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। अब हमें इसका बहुत ही सॉफ्ट डो लगाना है। इसमें इस स्टेज पर आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। यहाँ पे मैंने अराउंड 3/4 कप पानी का यूज़ किया है, आपका ज़्यादा या कम हो सकता है। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि ये हमारा डो बहुत ज़्यादा वेट हो गया है और हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं या थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, उससे इसे हैंडल करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब एक बड़ा बर्तन लेना है और इसे अच्छे से ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद इसमें डो ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आपने इसे ग्रीस नहीं किया तो फिर डो चिपक जाएगा, इसलिए इसे अच्छे से ग्रीस करिए, और फिर इसे एक गीले कपड़े से ढक दीजिए। इसे हमें 1 से 1.5 घंटे तक के लिए रेस्ट करने देना है। इतनी देर में इसका साइज़ डबल हो जाएगा। इसे ट्रांसफ़र करने के बाद इसे एक बार और ऊपर से ऑयल से ग्रीस करना ज़रूरी है, वरना कपड़ा इस पर चिपक सकता है। हो गया ना साइज़ डबल। तो अब हमें इसे 8x8 की ग्रीस ट्रे में ट्रांसफ़र करना है। ट्रे को भी मैंने ऑलिव ऑयल से ही ग्रीस किया है। इसे बिल्कुल आराम आराम से निकालना है, इसे ज़्यादा पंचर नहीं करना। अभी ट्रांसफ़र करने के बाद इसे ट्रे में अच्छे से फैला देना है। फैलाने के बाद इसे एक बार और 30 मिनट्स तक के लिए रेस्ट करने देना है।
जब तक डो रेस्ट कर रहा है हम ब्रेड के लिए एक डिप भी बना लेते हैं। तो डिप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून अमूल गार्लिक बटर का लिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच गार्लिक पेस्ट का डालना है और इसे अच्छे से रोस्ट करना है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप यहाँ पे एक ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें टमेटो प्यूरी डालनी है। टमेटो प्यूरी के लिए मैंने 3 टमाटर उबाले थे और फिर उन्हें ठंडा करके पीस लिया था। ये 3 मीडियम साइज टमेटो हैं। अब इसमें डालना है सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर, सारी सीजनिंग्स में मैंने चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और थोड़ी सी ड्राइड बेजिल लीव्स यूज़ करी है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाना है। इसमें 2 टेबलस्पून चीज़ के डालने हैं। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। अगर आप फोकाशिया ब्रेड बना रहे हैं तो ये वाली डिप तो मस्ट है, ये फोकाशिया के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इस डिप में फाइन चॉप करके वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, पर मुझे ये डिप ऐसे ही पसंद है। और अब मेरी डिप तैयार है। डो भी अब डबल हो चुका है तो अब हमें इसे अपनी फिंगर से पंचर करना है। इसे एकदम नीचे तक पंचर करना है, पर हमें इसमें छेद नहीं करना, सिर्फ पंचर करना है। इसे दोबारा से ऑलिव ऑयल से ग्रीस करना है और फिर इस पे अपनी पसंद की सारी टॉपिंग्स लगानी है। सबसे पहले इस पे सारी सीजनिंग्स डालनी है। मैंने वही सीजनिंग्स डाली हैं जो मैंने पूरे वीडियो में यूज़ करी है। अब इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डालनी है। मैंने यहाँ पे अनियन लिए हैं, चेरी टमेटोज लिए हैं और बेल पेपर्स लिए हैं, और मैंने यहाँ पे गार्लिक चॉप्ड लिया है और थोड़ी सी चॉप्ड बेजिल लीव्स ली है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करना है। अब हमें इसे दोबारा से पंचर करना है और फिर हमें इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट कराना है। उसके बाद हमें इसे प्री हीटेड ओवन पे 200 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। कितनी
बढ़िया बेक हुई है ना हमारी फोकाशिया ब्रेड। अब इसे ऊपर से थोड़े से गार्लिक बटर से दोबारा ग्रीस करें और इसे 5 मिनट के बाद डीमोल्ड कर लें। फोकाशिया ब्रेड इज रेडी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।